पता है ऊपर कर दिया पहले क्या इस साइड। डेढ़ सौ का डाल दो। दिलबाग खा रहे हो ना? डाल दो। ये तो पता, पता लग जाता है जैसे इसमें, इसमें पता, इसमें ब्रांड लिखा हुआ आ जाता है। जैसे आप अभी दिलबाग खा रहे हो तो इसमें ब्रांड लिखा हुआ जाता है दिलबाग खा रहा है। जैसे मैं कुछ नहीं खा रखा तो मेरे बारे में कुछ नहीं आएगा। आपने खाया, आपके पीछे देखो दिलबाग लिखा हुआ आ रहा है। आपने खाया था दिलबाग, दिलबाग लिखा हुआ आ गया। आपने तानसेन खाया था, तानसेन लिखा हुआ आ गया। भी नहीं है, आया था ना। अरे बोले तो पता लग गया, लग रहा पता लगाओ क्या मेरे अंदर। अब ऐसा कोई एक्सरे मशीन थोड़ी ना ही है। जी तो अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, अगर आप लोगों को भी बहुत सारे टेडी वेयर लेने किसी को देने के लिए तो आप जेएलएन पे जा सकते हो, वहाँ पे सही रेट में आपको मिल जाएंगे। अभी अपन आए करण मोटो मार्ट। वैसे वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी अपन लगाने वाले हैं इसके अंदर डेढ़ इंच का हैंडल बार राइजर्स, मतलब डेढ़ इंच नहीं है उससे थोड़ा अबव ही होगा 1.75। और वैसे जाना का आप लोगों को कोई भी जेन्युइन प्रोडक्ट लेना हो ना तो करण मोटो मार्ट से ले सकते हो, चाहे BMW हो, KTM हो, रॉयल इनफील्ड हो। अभी अपन इसको इंस्टॉल करवाते हैं। पहले मैंने लगवाया था आई थिंक 1 इंच का, तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल नहीं था मैं साइडलिंग करते वक्त, तो इसको लगाने के बाद ना और अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी अपन इसको लगवाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेना। तो अभी चलते हैं। तो आज क्या चाहते हैं आप? आज हम चाहते हैं कि हमारा हैंडल थोड़ा ऊपर आ जाए। तो आप पहले जो रहते लगे हुए हैं वो लगे रहने दे जाएंगे और ऊपर लगा लें आप? नहीं 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 वो हटा दो। ऑलराइट, तो अभी अपन ने जब पहले लगाए थे ना हैंडल बार राइजर तो ये वाले लगवाए थे, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपन डेढ़ इंच के हैंडल बार राइजर्स लगवाएंगे, और फाइनली जाना के जी भाई सब्सक्राइब कर देना। हायर एंड हायर, थैंक यू सो मच। ये वाला जो हैंडल बार राइजर था ये 1 इंच का था, ये करण भैया ने बनाया था अपने हाथों से हमारे लिए। के कुछ डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ लेना आराम से। 45 mm 1.7 inches वर्टिकल राइजेस वाला साइज देखो कितना था, तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि कैसा फील होने वाला है। ये पहले वाला जो हैंडल बार राइजर है ना वो ये यहाँ पे लगा हुआ था, और अब ये वाला जो हैंडल बार राइजर है ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है, विच इज वैसे नो डाउट ये भी अच्छा है बट ये ज़्यादा अच्छा है। बस अब जरूरत है तो बैच प्लेट, किसने ना मेरे को धोखा दे रखा है उसका धोखा मैं निकालूंगा। अभी आने दो उसको उदयपुर, आपको है ना पोस्चर दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। आज
आरपीएम हाई जा, सही हो रहा है ना, लेफ्ट उधर करना लेफ्ट, हाँ सही है। तो कोई बात नहीं यार, ये ओ अंदर आ गया है ना, पहले ये ऐसे था ना, देखो वही सही लग रहा है। अभी थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, हाँ आप ठीक है। इस वाले हैंडल बार को ना अपन ने ऊपर कर दिया, पहले क्या इस साइड में आ रहा था थोड़ी सी, मेरे को ना थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट अब ना इसको आगे की साइड में कर दिए गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पोजीशन देखो मेरी, इधर से दिखाओ इधर से, तब मेरी पोजीशन है ना ऐसे रहेगी बिल्कुल एक्यूरेट। पहले क्या रहता था ऐसे रहता था, अब एकदम ऐसा रहूँगा अब ज़्यादा फास्ट जा पाऊँगा ना, ये पूरा अच्छे से आ पाएगा। बढ़िया, मैंने इतनी जल्दी फिटिंग कर दी ना, हेलमेट उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, 10 से 15 मिनट के अंदर खेल खत्म। और ये वाली क्लच केबल भी लगी रह गई, वो दोनों क्लच केबल अपन घर लेके चले। अभी अपन ने लगवा लिए हैं हैंडल बार राइजर्स और सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जैसे तो जाना ने ये वाली क्लच केबल भी प्रोवाइड करवाई, ऑल्दो ये मेरी बाइक में लगी नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक में ऑलरेडी जब मैंने हैंडल बार राइजर लगवाया था तो मैंने ऑलरेडी बड़ी केबल लगवाई हुई थी, वो थी एवेंजर क्लासिक की, बट ये वाली क्लच केबल अभी मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। जाना ने सही प्रोडक्ट निकाला, इसके साथ साथ ना ये क्लच केबल भी उसी अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि इसका पैसा अलग देना पड़ेगा। 1599 में आपको हैंड बार राइजर भी मिल जाएगा, ये दोनों क्लच केबल भी मिल जाएगी। ये है भाई नई वाली अपाचे RR 310, देख रहे हो क्या मस्त लग रही है, ये हाइड कर दो। कितने की ली भाई? 3 लाख रुपए की। अच्छी है भाई, इसका कंसोल अच्छा लग रहा होगा, है ना, मस्त लग रही है भाई, देखो यार कितने मस्त है। तो अभी थोड़ा तो कंफर्टेबल हो गया है, अभी कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा है, इंटरनल ऑडियो से मैं शूट कर रहा हूँ। मजा आ गया। अब बस टॉप बॉक्स का जुगाड़ हो जाए यार तो मजा आ जाए। अभी मैं GoPro से इसलिए ज़्यादा शूट कर रहा हूँ व्लॉग थोड़ा सा, कि जैसे पता लग जाए, कि आप लोगों को भी पता लग जाए, मेरे को भी पता लग जाएगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। ये भैया के पास आया था चश्मा देखने, अभी पहन के तो देखें कैसा लग रहा है, लेना लेने लगा बाद। अरे यार भैया, तो भैया ये है, लेकिन इस पर 50% ऑफ है, 50% ऑफ होने के बाद भी पड़ेगा सीधा 2500 रुपये का। हमारा डिकैथलॉन वाला सही है, 300 रुपये का ये सही है। देखो यार सही में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत महंगा है, सस्ता सस्ता रिबॉक का है ये। ऑलराइट जी, तो अभी वापस अपन ने एक ट्रिमर ले लिया, और यहाँ पे देख रहे हो वैलेंटाइन वीक की तैयारी, फुल बलून वलून लगा रखे चारों तरफ। तो ये अपना कैफे टी स्टार कैफे गोपालपुरा पे है, कभी दोबारा आऊँगा तो अच्छे से दिखाऊंगा। अभी शाम हो चुकी है, अभी ये छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। शायद संडे को एक राइड है जयपुर के अंदर रोड सेफ्टी को लेके, उसको अपन ज्वाइन करने वाले हैं, सुबह आई थिंक 9 या 9:30 बजे होने वाली है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइट सेफ।